सो फार्माकोलॉजी क्या है गाइस? बेसिकली इट इज अ स्टडी ऑफ मेडिकेशंस, एंड मेडिकेशंस क्या होती हैं? दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स, ओके? और यू कैन से फार्माकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ड्रग्स, ठीक है? ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ड्रग्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है? केमिकल कंपाउंड जिनको हम बोलते हैं, जो बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि उनका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, एक बॉडी के ऊपर, लिविंग सिस्टम के ऊपर उनका क्या इफेक्ट होता है, वो कैसे अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, और बदले में जो हमारी बॉडी होती है वो फर्दर उनके ऊपर किस तरह से अपना एक्शन शो करती है, किस तरह से उनको एक्ट करती है, वो हम डिस्कस करते हैं बेसिकली इन द फार्माकोलॉजी, ओके? सो हेयर इट इज रिटन, इट इज अ स्टडी ऑफ मेडिकेशंस और द साइंस ऑफ ड्रग्स. इन दिस वी यूजली डिस्कस अबाउट द इंट्रेक्शंस ऑफ ड्रग्स विद वेरियस लिविंग सिस्टम्स, ओके? तो यहाँ पे मैंने साइड में देखो इमेजेस कुछ आपको दिख रही होंगी. तो द फर्स्ट इमेज इज अ इमेज ऑफ ए सेल, ठीक है? नेक्स्ट इज एन इमेज ऑफ ए टिश्यू, एंड देन इट इज अ ऑर्गेनिज्म. ऑल राइट, सो जो ये हमारे ड्रग्स होते हैं, इन्फेक्शन शो करते हैं. जब भी आप किसी केमिकल कंपाउंड या ड्रग को इनहेल करते हो, इनटेक करते हो, तो इट कैन इंटरेक्ट विद अ सेल और अ टिश्यू, ठीक है? एंड प्रोड्यूस एन इफेक्ट. ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द फार्माकोलॉजी. नाउ कम टू द लास्ट लाइन, दैट इज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी. सो जीपैट के एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में, ठीक है? सो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है? जोनाथन पेरेरिया, ठीक है? ये जो थे हमारे ओल्ड फार्माकोलॉजी के फादर थे, दैट इज फ्रॉम 1804 टू 1853. लेकिन उसके बाद काफी सारे न्यू मॉडर्नाइजेशन हुआ फार्माकोलॉजी में, काफी सारी चीजें एड ऑन हुई, तो उसके लिए जो हमारा मॉडर्न फार्माकोलॉजी का फादर जिनको बोला जाता है वो है ऑसवाल्ड स्मिटबर्ग. ओके, सो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी इज जोनाथन, एंड फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी इज एन ऑसवाल्ड स्मिटबर्ग, ठीक है? अगर मॉडर्न ना लिखा हो तो आपको प्रायोरिटी देनी है ऑसवाल्ड स्मिटबर्ग को. क्लियर? सो हेयर, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है द टू मेन एरियाज ऑफ अ फार्माकोलॉजी, ठीक है? तो जो हमारी फार्माकोलॉजी है वो बेसिकली हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज फार्माकोडायनेमिक्स एंड सेकेंड इज फार्माकोकाइनेटिक्स. ऑल राइट, अब व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स? तो देखो फार्माकोडायनेमिक्स में ये डी बोल्ड है, डी से मीन्स फार्माकोडायनेमिक्स, डी आ रहा है ड्रग. सो इसका मतलब होता है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, कि जो ड्रग है जब हम उसको इंटेक करते हैं तो वो बॉडी में कैसे एक्शन शो करता है, ठीक है? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी. दिस इज फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग. क्लियर? सो अभी तो ये मैंने बस आपको एक इनकी डेफिनेशन एक शॉर्ट टर्म में बताया, लेकिन अभी हम इसको बहुत डिटेल में जाने वाले हैं. और आज जो हम डिस्कस करेंगे इन दोनों में से, फर्स्ट इज फार्माकोकाइनेटिक्स, क्योंकि पहले फार्माकोकाइनेटिक्स आता है एंड देन इन बिटवीन कम्स द फार्माकोडायनेमिक्स. क्लियर? कैसे आता है वो मैं आपको बताती हूँ. देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, व्हाट फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है? अब बॉडी क्या क्या करती है ड्रग के साथ? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, और यू कैन से बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन. ये सारे प्रोसेसेस हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के, जिनके आप फार्माकोलॉजी बुक में देखोगे तो अलग अलग चैप्टर्स हैं. एब्जॉर्प्शन का अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग है. सो दीज ऑल कम अंडर द फार्माकोकाइनेटिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, ठीक है? एंड नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे फार्माकोडायनेमिक्स. फार्माकोडायनेमिक्स में क्या आता है? ड्रग एब्जॉर्प्शन आता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ड्रग एक्सक्रीशन आता है, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है. ओके, सो आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम यू गाइस. सो यू टेल मी कि फार्माकोडायनेमिक्स इंक्लूड विच अमंग द फॉलोइंग. या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, करेक्ट. ओके, सो
अब यहाँ पे देखिए आप, मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एक इमेज है जो शो करती है कि फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारी चार चीजें आती हैं, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड देन एक्सक्रीशन। ओके, सो वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि लाइन से ये मतलब पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है गाइज? तो हम फार्माकोकाइनेटिक्स में यहीं पे एक इमेज बना के ये समझते हैं डिटेल में। ठीक है, तो देखो या क्लियर, ऑल राइट। सो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, इट कम्स, इसके अंदर क्या क्या आता है? एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट द फर्स्ट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है गाइस? एब्जॉर्प्शन इज व्हेन, जब भी आप किसी ड्रग को इनटेक करते हो तो द मूवमेंट ऑफ ए ड्रग, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड, ठीक है, उस पैसेज को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। जहां से आप, जिस भी रूट से आप, एक्स वाई जेड रूट से आप ड्रग को ले रहे हो, या तो ओरल रूट से ले रहे हो, या आईवी से, आईएम से, सबक्यूटेनियस से आपने ड्रग इंटेक किया, उसके बाद वो ड्रग आपके ब्लड के अंदर गया, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन। क्लियर? फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज ये है क्या, ये आपका, मैं बना देती हूँ, ये आपका ब्लड, ठीक है, ये है ब्लड वेसल, क्लियर। और ये है आपका, यहाँ पे क्या बना देती हूँ मैं, यहाँ पे ये आपका जीआई ट्रैक है, ये रहा आपका जीआई ट्रैक, ठीक है, यहाँ से आपका माउथ है, ये आपने इनटेक किया, और फिर आगे क्या आता है, स्टमक आ गया, उसके बाद आपका इंटेस्टाइन, क्लियर। सो अब देखो यहाँ पे सपोज आपने एक ड्रग लिया है, ड्रग ए लिया है आपने, ठीक है, और यू कैन से एक्स, ठीक है, ये एक्स्ट्रा आपने इनटेक किया, तो इट इज अ साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आपका कहाँ जाएगा? इन टू द ब्लड। ब्लड के अंदर जब ड्रग जाएगा, इसको आप बोलोगे एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि द मूवमेंट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द ब्लड टू द इफेक्टिव ऑर्गेन, मतलब जहां पे वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा, वहां पे सपोज आपने, आपको हेडेक हो रहा है, आपने कोई मेडिसिन ली, तो वो कहाँ पे जाके एक्ट करेगी? ब्रेन में जाके एक्ट करेगी, क्लियर। तो उसका साइट ऑफ एक्शन कहाँ पे है? ब्रेन में, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट इज ब्लड टू द साइट ऑफ एक्शन जो होगा, उसका मूवमेंट जो होगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो सपोज यहाँ पे क्या है हमारा? टिश्यू, ठीक है, कोई भी टिश्यू है आपका, साइट ऑफ एक्शन कह दो, साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? रिसेप्टर्स, जहाँ पे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, सिंपल सी चीज है, जो भी आप ड्रग ले रहे हो वो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हो, रिसेप्टर कहाँ होंगे? उस पर्टिकुलर ऑर्गेन में प्रेजेंट होंगे जहाँ पे वो एक्शन शो करेगा। तो मूवमेंट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम ब्लड टू द साइट ऑफ एक्शन इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सपोज ये हमारा ड्रग है एक्स, यहाँ पे, यहाँ से इसके मूवमेंट कहाँ पे? टू द साइट ऑफ एक्शन और टू द रिसेप्टर इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर दैट उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज मेटाबॉलिज्म एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन एक्सक्रीशन। सो अब देखो, अब हमारे ड्रग ने क्या किया भाई? एब्जॉर्ब भी हो गया, अपना एक्शन भी शो कर दिया, लेकिन ये जो ड्रग्स होते हैं दे आर जीनोबायोटिक्स, बाहर की फॉरन मटीरियल्स होते हैं, जब अगर ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गए तो दे कैन कॉज द टॉक्सिसिटी, सो दे शुड बी एलिमिनेट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। इनको हमारी बॉडी से बाहर जाना होता है आफ्टर प्रोड्यूसिंग द एक्शंस। तो क्या होता है, जो ड्रग होते हैं, अब दो तरह के होते हैं, ठीक है, पोलर हो सकता है ड्रग का नेचर, या नॉन पोलर हो सकता है, ठीक है, या आप उसको दूसरी टर्म में कह सकते हो, नॉन पोलर को आप लिपिड सॉल्युबल बोल सकते हो, और इसको बोल सकते हो आप पोलर को नॉन लिपिड सॉल्युबल, क्लियर। सो अगर हमारे लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होते हैं, अब देखो हमारा जो एक्सक्रीशन होता है मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स का, वो एक्सक्रीशन कहाँ से होता है? थ्रू द यूरिन, ठीक है। जो हमारा एक्सक्रीशन होता है वो कहाँ से होता है ड्रग्स का? यूरिन के थ्रू होता है। यूरिन क्या है? एक लिक्विड है, लिक्विड है ना, वाटर है बेसिकली। तो ये किस नेचर का है? पोलर नेचर का है, ठीक है। और हमने तो सुना है कि लाइक डिजोल्व लाइक, इसका मतलब अगर हमारा जो ड्रग है अगर वो पोलर नेचर का होगा तभी वो हमारे यूरिन में मिक्स होकर इजिली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकता है। लेकिन
तो सिंपल सी चीज है, अगर पोलर ड्रग्स हैं उसके लिए तो हमें मेटाबॉलिज्म की जरूरत है नहीं इतनी ज्यादा, वो तो हो सकता है डायरेक्ट ही हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। लेकिन जो नॉन पोलर ड्रग्स होते हैं या लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स हैं, वो क्या करते हैं हमारी बॉडी में जाके पहले बायो ट्रांसफॉर्म होते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है, एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, एंड देन वो हमारी बॉडी से क्या होते हैं, एक्सक्रीट आउट। क्लियर? सो सपोज हमारा ड्रग ये था, हमारा ड्रग टिश्यू में पहुंच गया, एक्शन शो कर दिया, अब उसके बाद उसको क्या करना है, उसको वापस से ब्लड उसमें आएगा, ब्लड सर्कुलेशन में आएगा वो वापस से, ठीक है, ये आ गया एक्स्ट्रा ब्लड सर्कुलेशन में। अब ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद इसको क्या करना है, मेटाबॉलिज्म। अब जो हमारा जो ऑर्गेन है, मेटाबॉलिज्म के लिए मल्टीपल साइट्स हैं, लंग्स में, लिवर्स में, स्किन में, मल्टीपल साइट होता है, लेकिन जो मेजर हमारा साइट है, मेजर ऑर्गेन है, मेटाबोलाइजिंग ऑर्गेन है, जहां पे मेजर ऑफ ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता है, दैट इज लिवर। सो ब्लड से ही फिर से ही कहाँ जाता है, लीवर के अंदर, ये है हमारा लीवर। क्लियर? सो लीवर के अंदर जाके इनकी क्या हो जाती है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, या फिर आप कह सकते हो बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? अब हमारा ड्रग क्या बन चुका है, ट्रांसफॉर्म होके हाईली पोलर बन चुका है, यानी कि बिल्कुल हमारी बॉडी से निकलने के लिए एकदम रेडी है। तो अब उसका क्या हो जाएगा, अब वो ड्रग हमें चाहिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो दिस विल नाउ एक्सक्रीट आउट यूरिन में थ्रू जाके, ये कहाँ हो जाएगा, ब्लड। देखो ब्लड हमारी कहाँ जाता है, किडनी के पास जाता है, किडनी से होती है ना फिल्ट्रेशन, और फिर एक्सक्रीशन होता है। तो यहाँ पे क्या है आपकी, यहाँ पे है ये आपकी किडनी, ठीक है, किडनीज हो गई आपकी, और किडनी में ही फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन फिल्टर होके फिर आपका एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन के थ्रू, ठीक है। सो ये जो आपका ब्लड में आया था, फिर से वो ब्लड के थ्रू क्या हो, जीएफआर होके उसका क्या हो जाएगा, किडनी से फिल्टर आउट हो जाएगा, एंड दिस विल एक्सक्रीट। तो हैव यू अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस दैट आई हैव एक्सप्लेन यू, आपको जो मैंने अभी ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन का जो एक एक्सप्लेन किया है आपको पूरा डिटेल में, तो ये आपको समझ आया? इफ येस देन प्लीज जस्ट गिव मी अ थम्स अप। ओके, क्लियर, गुड, ठीक है। सो नाउ, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, या सो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने किया भाई, ये चार चीजें आती हैं, ये क्या क्या होती है, हमने बेसिक एक्सप्लेन, अब मतलब बेसिक समझा हमने इसका, अब आगे हम इनको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इनको और डिटेल में हम जानेंगे कि बेसिकली ये एब्जॉर्प्शन है, तो एब्जॉर्प्शन के क्या क्या फैक्टर्स हैं, बेसिकली क्या क्या प्रोसेसेस आती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या क्या होगा, तो ये सब हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बचा हमारा फार्माकोडायनेमिक्स, वो हम किसी अदर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ मच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस टूडेज लेक्चर। सो यहाँ पे ये रहा आपका एब्जॉर्प्शन इन डिटेल, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, इट इज द पैसेज ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, दिस इज एब्जॉर्प्शन। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे क्या है, देखो जब ब्लड एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाया, तो हमें पता है भी एब्जॉर्प्शन क्या, साइट ऑफ, अब एब्जॉर्ब कहाँ से होगा ब्लड, यहाँ ये ड्रग हमारा आया स्टमक में आया, ठीक है, इंटेस्टाइन में आया, अब कहीं जो ड्रग है हमारा वो कहीं से भी एब्जॉर्ब हो सकता है। कुछ ड्रग होते हैं जो भाई स्टमक से एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ ड्रग होते हैं जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, या अदर साइड से एब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पे जब वो एब्जॉर्ब होंगे, मतलब ब्लड के अंदर जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, हमें पता है भाई जो हमारे बॉडी होती है उसके अंदर जो क्या होती है, सेल्स होते हैं, और सेल की लाइनिंग क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है बेसिकली। तो जो ड्रग होता है उसको ब्लड तक जाने के लिए काफी सारी मेम्ब्रेन्स क्रॉस करनी होती है, ठीक है, काफी सारी सेल को क्या करनी होती है, मेम्ब्रेन्स क्रॉस करनी होती है। सपोज ये क्या है, सेल्स हैं जो इसकी मेम्ब्रेन बना रहे हैं स्टमक की, और फिर यहाँ पे जब ब्लड उसमें जाएगा, ब्लड वेसल में, इसमें भी सेल्स होंगे, तो जो हमारा ड्रग है उसको क्या करना होता है, इन मेम्ब्रेन्स को पास करना होता है, क्लियरली। तो यहाँ पे मैंने वही एक्सप्लेन किया है कि वेज ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, कि ड्रग की बेसिकली ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए ड्रग, ठीक है।
ट्रांसपोर्टेशन हमारा एब्जॉर्प्शन के अंदर एक सब टॉपिक है जो आता है कि भाई ड्रग का जो होता है वो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हमारा ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है एक साइड से दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे ये हैं हमारे मल्टीपल साइट्स हैं, तो सबसे पहले इनका मैं डिटेल में बताने से पहले मैं इनका एक फ्लो चार्ट आपको बता देती हूँ जिससे आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, ये क्या है आपका ड्रग ट्रांसपोर्टेशन, ड्रग ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ड्रग ट्रांसपोर्ट जो होता है इट इज ऑफ मल्टीपल टाइप, अलग अलग वो होते हैं इसके ट्रांसपोर्ट होने का, अलग अलग मेथड से ट्रांसपोर्ट होता है। तो कौन कौन से बेसिकली मेथड्स होते हैं, फर्स्ट इज पैसिव डिफ्यूजन। ओके, पैसिव डिफ्यूजन। अनदर इज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। क्लियर? सो अब जो हमारा पैसिव डिफ्यूजन होता है, पैसिव डिफ्यूजन के अंदर बेसिकली दो चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं पैसिव डिफ्यूजन के अंदर, हम दो टर्म्स पढ़ेंगे। एक तो डिफ्यूजन मतलब सिंपली पैसिव डिफ्यूजन आप बोल सकते हैं, एंड अनदर इज फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये दोनों हम स्टडी करेंगे किसके अंदर, पैसिव डिफ्यूजन के अंदर। ठीक है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, ये क्या है आपका पैसिव डिफ्यूजन। देन आपका नेक्स्ट आता है, इट इज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। सो कैरियर मीडिएटेड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी फर्दर हमारा दो टाइप का होता है, कौन कौन सा। एक तो होता है फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड, एंड अनदर वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। इट इज प्राइमरी, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन, क्लियर? अब जो हमारा सेकेंडरी होता है वो फर्दर सब डिवाइडेड है किसमें, देखो आप जब बुक पढ़ोगे उसमें आपको समझ नहीं आएगा, आप कंफ्यूज होगे। तो इस वजह से मैंने आपको क्या बनाया, ट्री डायग्राम बना दिया है यहाँ पे, जिससे कि आपको इजिली समझ आ जाए भाई सिंपोर्ट कौन से ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है, कैरियर के अंदर आता है, कैरियर के अंदर आता है तो फैसिलिटेटेड के अंदर आता है, एक्टिव। तो ये जो चार्ट है इसके थ्रू ये आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सकता है। ठीक है, अगर आप ढंग से देखो इसको तो। सो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन दो तरह का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड सेकेंडरी। अब जो सेकेंडरी होता है वो फर्दर दो तरह का होता है, कौन सा, को ट्रांसपोर्टर, को ट्रांसपोर्ट एंड सॉरी यू कैन से सिंपोर्ट, सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। क्लियर? ये है हमारा कंप्लीट डिटेल है, कंप्लीट टेबल है ये, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए ड्रग थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। सो इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, पैसिव डिफ्यूजन, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन एंड पिनोसाइटोसिस। क्लियर? पैसिव डिफ्यूजन में डिफ्यूजन पढ़ोगे आप एंड फिल्ट्रेशन पढ़ोगे, कैरियर मीडिएटेड में पढ़ोगे फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव, एंड देन पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट इज दैट इज पैसिव डिफ्यूजन। सो इसके अंदर जो मोस्टली काफी बार जीपेट में पूछा जा चुका है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, तो पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, एक्टिव और पिनोसाइटोसिस, सपोज ये दे दिए तो क्या ऑप्शन होगा आपका, पैसिव डिफ्यूजन। क्लियर? सो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होते हैं वो किससे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, बाय पैसिव डिफ्यूजन। तो ये जो आपका मेथड होता है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसके अंदर देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड इट इज अ बाई डायरेक्शनल फ्लो। ठीक है, हाई टू मतलब ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, मेम्ब्रेन के इधर से भी जा सकता है ना उधर साइड से भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग, कि ड्रग का कंसेंट्रेशन जिधर ज्यादा होगा वहां से वो लो कंसेंट्रेशन की साइड में आपका ड्रग फ्लो करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक, अब ये क्या है, रेट ऑफ ट्रांसफर अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, सपोज ये आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है ये आपकी मेम्ब्रेन है और यहाँ पे क्या है, ये आपका ड्रग है। ठीक है, ये रहा ड्रग और यहाँ पे है ये ड्रग इतना,
तो इसके कंसंट्रेशन किधर साइड ज्यादा है, ए साइड या बी साइड? ठीक है, ऑब्वियसली जो कंसंट्रेशन ड्रग की है कहाँ पे ज्यादा है, ए साइड पे ज्यादा है, ए साइड पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ड्रग की मूवमेंट कहाँ होगी, फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। क्लियर? सो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होगा, अगर सपोज दोनों साइड बराबर ही हो गया, तो मूवमेंट ना इधर ज्यादा होगी ना उधर ज्यादा होगी, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए ग्रेडियंट जितना ज्यादा कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैटर करता है इन द पैसिव डिफ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट इज लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होते हैं मेनली ट्रांसफर, यानी कि जो आपके लिपिड सॉल्युबल और यू कैन से नॉन पोलर, जो आपके नॉन पोलर ड्रग्स जो होंगे, ठीक है, और यू कैन से लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होंगे, वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन किसके एब्जॉर्प्शन या जो मेम्ब्रेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो बाय विच मैकेनिज्म, बाय पैसिव डिफ्यूजन। अब क्यों होते हैं, क्योंकि भाई हमें पता है हमारे जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती हैं, फॉस्फोलिपिड्स, और उनके अंदर और कोलेस्ट्रॉल ये सारी चीजें भी होती हैं, तो बेसिकली उनका नेचर क्या होता है, लिपिड नेचर होता है उनके अंदर। तो भाई ड्रग लाइक डिजॉल्व लाइक, तो पोलर की नॉन सॉरी लिपिड नेचर के थ्रू क्या होगा, लिपिड ड्रग्स इजिली क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, सो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो मेनली ट्रांसपोर्टेशन किससे शो करती हैं, बाय द पैसिव डिफ्यूजन। ऑल राइट, नेक्स्ट इज वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जो होते हैं ऑफ लो मोलिकुलर वेट पैसिवली डिफ्यूजेस थ्रू एक्वास्पोर्स। सो जो ये लास्ट टर्म लाइन लिखी है हमने यहाँ पे, ये क्या डिफाइन करती है, इट बेसिकली एक्सप्लेन्स द टर्म नोन एज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, ठीक है, जो यहाँ पे था पैसिव डिफ्यूजन के, तो फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन कुछ नहीं है, वो भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही होगा, लेकिन किसके लिए, जो हमारे वाटर सॉल्युबल यानी कि जो एक्वस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, जो एक्वस हैं, पोलर नेचर के हैं, तो वो जो जो जिनका साइज काफी छोटा है, कि वो जो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू भी अपना क्रॉस कर देते हैं मेम्ब्रेन्स को, सो वो हमारे बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं किस पे, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो ड्रग ट्रांसपोर्ट होगा अपने आप नहीं होगा, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए किसी कैरियर की जरूरत पड़ेगी, किसी कैरियर की जरूरत पड़ेगी, और वो कैरियर कोई भी हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई आयन चैनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो एक ड्रग को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाएगा। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है, इट इज नॉट एनर्जी डिपेंडेंट, मतलब इसके अंदर एनर्जी नहीं चाहिए होती है। इसकी भी मूवमेंट कहाँ होती है, हाई टू लो कंसंट्रेशन। देखो जब भी हाई टू लो कंसंट्रेशन हो तो उसमें एनर्जी नहीं जरूरत होती है, ठीक है, ड्रग इजिली बाय डिफ्यूजन के थ्रू मूव करता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, लेकिन फैसिलिटेटेड है तो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैरियर सिस्टम होता है, जैसा कि कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही आ रहा है, तो कैरियर सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर। पुअरली डिफ्यूजेबल सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज हो गया आपका, वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द ग्लूट फोर ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, ये क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, कि जो ग्लूकोज होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू इनटू द मसल्स एंड द फैट सेल्स। फैट सेल्स कौन से होते हैं, आपके एडिपोज सेल्स, जो एडिपोज टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो ग्लूट फोर ट्रांसपोर्टर के थ्रू होती है, एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर? सो गाइज इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, अगेन इट इज अ कैरियर मीडिएटेड, मतलब इसके अंदर भी कैरियर की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर और क्या जरूरत होती है, इसके अंदर एनर्जी की भी जरूरत होती है। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़े उसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इज अ ट्रांसपोर्टेशन इन विच वी रिक्वायर द एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट अ ड्रग फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। ठीक है, एंड इट इज बेसिकली यूनिडायरेक्शन। यूनिडायरेक्शन मीन्स एक साइड ही होगा, ये बाय डायरेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अपने आप ड्रग डिफ्यूज नहीं कर रहा, उसको एनर्जी चाहिए एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए। इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैरियर प्रोटीन्स होता है। इट इज फास्टर देन द सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से ये फास्टर होता है, क्योंकि आयन चैनल्स के थ्रू या ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक
ठीक है, इसको पूरा सेल के थ्रू क्रॉस करके वो जाने की जरूरत नहीं होती, इट इज फास्टर देन द सिंपल डिफ्यूजन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, आयोडीन, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बेसिस, ग्लूकोज, आयनिक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और अमीनो एसिड्स, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं दे आर बेसिकली ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, एंड अब देखो इसके अंदर भी एक चीज रह गई, हमारे एक्टिव के अंदर भी दो होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, अब प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन आपका क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होता है, जो एनर्जी रिक्वायर होती है वी बेसिकली जनरेटेड फ्रॉम द एटीपी। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है आपका, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए आयन को एक साइड से दूसरी साइड, इट इज बेसिकली जनरेटेड एटीपी टू कन्वर्ट एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। ठीक है, और इसके अंदर जो कैरियर्स होते हैं वो कौन सी फैमिली के होते हैं, सॉल्यूट कैरियर्स होते हैं, एसएलसी कैरियर्स होते हैं इन द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके, वो मैंने अभी बताया था आपको, इट इज ऑफ टू टाइप्स, सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, सपोज आपने दो ड्रग्स इनटेक करे हैं तो उसके अंदर ही सिंपोर्ट मतलब एक ही दूसरे का हेल्पर बनता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट सिंपोर्ट मीन्स इन द यूनि डायरेक्शन मीन्स सेम डायरेक्शन, एंड एंटीपोर्ट इफ वन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन देन अनदर विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो एनर्जी प्रोड्यूस, दूसरे वाले से एनर्जी मिलती है इसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए अदर मॉलिक्यूल को, ये हमारा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? सो इनके बारे में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, अगर आपको इतना भी पता है बेसिक की भाई जो सेकेंडरी होता है उसके अंदर एंटीपोर्ट एंड सिंपोर्ट आता है, प्राइमरी वाला जो होता है उसके अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है दैट इज बेसिकली फ्रॉम एटीपी टू एटीपी, एंड जो कैरियर्स होते हैं इट इज सॉल्यूट कैरियर्स इन द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इससे ज्यादा अभी तक ना तो मैंने देखा है ना इसमें मोस्टली पूछा जाता है इसके अंदर, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है यू कैन इजिली आंसर द एमसीक्यूज। ठीक है, जो भी आपके एब्जॉर्प्शन या ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से आते हैं। फिर हमारा लास्ट है दैट इज पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस क्या होता है, इट इज अगेन अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ये दो तरह का होता है, ठीक है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। मॉलिक्यूल्स हैं कौन से सब्सटेंसेस हैं जो पिनोसाइटोसिस से करते हैं, जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है जिनका, जो बिग हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स बाय द पिनोसाइटोसिस। अब वो दो तरह की होती है, एंडो या एक्सो। एंडोसाइटोसिस मींस व्हेन इट टेक्स द ड्रग एंड एक्सोसाइटोसिस व्हेन द ड्रग गोज आउटसाइड। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस जैसे कि आपने पढ़ा होगा अमीबा जो सुडोपोडिया फॉर्म करता है, ठीक है, फेगोसाइटोसिस जो करता है, तो इनटेक दैट इज एंडोसाइटोसिस एंड बाहर की तरफ जान दैट इज एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? सो प्रोटीन्स, बिग मॉलिक्यूल्स लाइक विटामिन एंड हॉर्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन के बाद पिनोसाइटोसिस प्रोसेस, वैक्सीन हो गए, ठीक है, सो दे कम्स अंडर पिनोसाइटोसिस। आई होप दिस ट्रांसपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ ड्रग थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स इज क्लियर टू यू गाइज। सो लेट मी नो फर्स्ट इफ इट इज क्लियर, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। क्लियर गाइस, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ओके, क्लियर। सो द नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग। देखो ड्रग जो होता है हमारा साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड के अंदर जाना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं उस ड्रग के एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को। सो द फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट ऑफ ए ड्रग। अब देखो फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सो सिंपल सी चीज है, कौन किसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा, सॉलिड का स्लो होगा, सबसे स्लोएस्ट होगा, फिर लिक्विड का होगा एंड देन गैस का होगा, वो बहुत इजीली डिफ्यूज कर देती है। ठीक है, सो इसलिए फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करती है कि भाई ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। आप कोई ओरल कोई लिक्विड फॉर्मुलेशन ले रहे हो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, एक्शन जल्दी देखने को मिलेगा। वहीं आप एक टैबलेट ले रहे हो सॉलिड फॉर्म में, उसका एक्शन आपको
थोड़ी देर में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लग रहा है। पहले वो डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिजोल्व होगी, फिर उसके बाद वो आपके ब्लड के अंदर जाएगी, जबकि जो लिक्विड फॉर्म है वो डायरेक्टली चले जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो रूट ऑफ, अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं? ओरल रूट हो गया आपका, आईएम रूट हो गया आपका, आईवी रूट हो गया, सबक्यूटेनियस रूट हो गया, इंट्राडर्मल रूट हो गया। सो ये सारे आपके अलग अलग रूट्स होते हैं जहां से आपको इनटेक करते हो। तो अब ओरल जो रूट होता है मीन्स आप ओरली उसको ले रहे हो, ओरल लेने के बाद वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, फिर आपके ब्लड में जाएगी। सो इससे जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो होता है काफी, ठीक है। इंट्रामस्कुलर जब आप बाया इंजेक्शन आपके मसल्स में आप इंजेक्शन को डालते हो, इंजेक्ट करते हो, और वहां पे एक डिपोर्ट मतलब काफी सारी कंसंट्रेशन फॉर्म हो जाती है, और वहां से फिर वो आपके कहाँ जाता है, टिश्यूज की विसिनिटी में आपका जो ड्रग एक्यूमुलेट होता है वहां से वो आपके ब्लड के अंदर जाता है। तो इट इज फास्टर देन द ओरल। फिर आपका आईवी, आईवी जो होता है वो फास्टेस्ट होता है। फास्टेस्ट आईवी मीन्स इंट्रावीनस, मतलब डायरेक्टली आप किस में दे रहे हो ड्रग को, वीन्स में दे रहे हो। वीन्स में क्या होता है? ब्लड। सो डायरेक्टली किसको कोई मेम्ब्रेन क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमने ब्लड में ही दे दिया। तो मीन्स डायरेक्टली ही वो कहाँ हो जाएगा? एब्जॉर्ब ही, हमने उसको ब्लड में ही दिया डायरेक्टली, ठीक है। सो फास्ट रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है किसका? हमारा बाय आईवी रूट। क्लियर। जो रूट ऑफ, अब ये एक अलग टॉपिक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, तो वो हम आगे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो अभी यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आपके एब्जॉर्प्शन को फ्रॉम द जीआईटी। नेक्स्ट इज वेस्कुलैरिटी ऑफ द ड्रग एब्जॉर्बिंग सर्फेसेस। अब यू ऑल नो कि जितना ज्यादा सरफेस होता है, सॉरी दिस इज द वेस्कुलैरिटी, वेस्कुलैरिटी मीन्स ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जितनी ज्यादा होंगी, कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, ये इसकी जितनी ज्यादा होंगी आपके जहाँ पे आपका सरफेस है, सपोज यहाँ से स्टमक है, ठीक है, ये रहा आपका स्टमक। तो अब सिंपल सी चीज है, या फिर यहाँ पे कोई अदर ऑर्गेन आपका, जितनी ज्यादा वेस्कुलैरिटी होंगी, हमें पता है मेजोरिटी ऑफ जो ड्रग्स होते हैं वो कहाँ से वो होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन से, क्योंकि वहां पे काफी सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, बहुत ज्यादा हाई वेस्कुलैरिटी होती है, तो वहां से एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है ड्रग्स का, ठीक है। तो जितनी ज्यादा वेस्कुलैरिटी, क्योंकि जाना अल्टीमेटली कहाँ पे उसको, वेसल्स के अंदर, तो जितनी ज्यादा वेस्कुलैरिटी होगी एरिया की, उतना ही ज्यादा ड्रग का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट इज पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज क्या होगा गाइस? कि जितना कम पार्टिकल साइज होगा, द लेस विल बी द पार्टिकल साइज, मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेस पार्टिकल साइज का सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी क्या हो जाएगा आपका? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग भी वही कंसंट्रेशन, मतलब ग्रेडियंट इन्होंने बोला, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी ड्रग की, ग्रेडियंट उतना ही ज्यादा मेंटेन होगा, और उतनी ज्यादा क्या होगा? जल्दी डिफ्यूजन होगा ड्रग का, हाई टू लो कंसंट्रेशन उतनी जल्दी उसका एब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर। दिस इज व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, भाई स्टमक का एरिया इतना सा है, जबकि इंटेस्टाइन जो होता है कितने मीटर लंबा होता है, ठीक है। तो उसका सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है वो काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। पीएच ऑफ द ड्रग, पीएच ऑफ द ड्रग में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एसिडिक एंड बेसिक, ठीक है। देखो जितने भी हमारे ड्रग्स होते हैं वो आइदर दे आर द वीक एसिड्स, आइदर दे आर द वीक एसिड्स और दे आर द वीक बेसिस, ठीक है। मोस्टली जो हमारे ड्रग होते हैं या तो वो वीक एसिड होंगे, कोई आपको ड्रग कोई ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना स्ट्रॉन्ग बेस, कोई मानना नहीं चाहता आपको, ठीक है। तो ड्रग जो होंगे या तो वीक एसिड्स होते हैं या वीक बेसिस होते हैं। अब पीएच ऑफ द ड्रग कैसे डिटरमाइन करेगा भाई? अगर सपोज आपका ड्रग क्या है? एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक और कंसेप्ट मैं क्लियर कर देती हूँ। सपोज आपका ड्रग क्या है? एसिड। तो एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? एसिडिक एनवायरमेंट में से होगा या बेसिक एनवायरमेंट में से होगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद विल एमसीक्यूज हैं आगे, वो हम डिस्कस करेंगे, तो उनका आंसर आप लोग देना, ठीक है। सो ड्रग हमारा क्या होता है, सपोज वो एसिडिक है, और हमारे स्टमक का पीएच क्या होता है? स्टमक का पीएच होता है एसिडिक, ठीक है। और जो इंटेस्टाइन होता है अगर उसका हमारा पीएच क्या होता है? बेसिक, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है भाई, लाइक डिजोल्व लाइक, जैसे कि हमने पढ़ रखा है ये चीज आपको पता ही है। तो अगर आपने सपोज कोई एसिडिक ड्रग लिया, ए ड्रग है जो कि एसिडिक नेचर का है, तो वो क्या करेगा? एसिडिक एनवायरमेंट में क्या हो जाएगा? स्टमक से एब्जॉर्ब होगा या इंटेस्टाइन से? इट विल गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक ओनली,
ठीक है, अगर बेसिक ड्रग है तो बेसिक ड्रग तो क्या होगा, एसिडिक एनवायरमेंट सॉल्ट बन जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है, तो वो बेसिक ड्रग जो होगा वो कहाँ जाके एब्जॉर्ब होगा, आपके इंटेस्टाइन से, क्लियर। अब देखो एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जो एसिडिक ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली अनायंस, जो अनायन नेचर होगा, अनायन जो होगा आपका वो बेसिकली क्या नेचर होता है, उसका एसिडिक नेचर होता है, जबकि जो कैटायंस होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक, ठीक है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे एमसीक्यू है, वहां पे आपको समझ आएगा कि कैसे आंसर करना है, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस। तो पीएच ऑफ द ड्रग डिटरमाइन करता है कि उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा स्लो होगा, कहाँ से होगा, फॉर्मुलेशन, ठीक है, फॉर्मुलेशन में वही आ गया भाई, आपका इमल्शन है, टेबलेट है या सॉल्यूशन है, तो कौन सा फॉर्मुलेशन भी आपका डिपेंड करता है कि आपका एब्जॉर्प्शन किस पे, मतलब कितना फास्ट होगा, सॉल्यूशन फॉर्म है कोई तो भाई फास्टेस्ट होगा, टेबलेट है तो स्लो होगा, इमल्शन है तो थोड़ा स्लो होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन फॉर्म, सस्पेंशन है तो इमल्शन के कंपेयर में थोड़ा फास्ट होगा। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन ऑन विच द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज विच अफेक्ट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ फूड। प्रेजेंस ऑफ फूड सिंपल सी चीज है, जब आप फूड इनटेक करते हो, फूड के बाद आप जब किसी ड्रग को ले रहे हो तुरंत या उसके साथ ले रहे हो, तो सिंपल सी चीज है भाई, फूड ने ही कवर कर ली सारी मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होगा, कुछ स्पेस ही नहीं मिलेगा, ठीक है। सो फूड क्या करता है, फूड डिलेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, डिलेज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ अदर एजेंट्स। अब जैसे काफी बार ऐसा बोलते हैं कि मतलब जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, टेट्रोसाइड, अब ड्रग क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, और हमें पता है केमिकल कंपाउंड किसी दूसरे केमिकल से मिलेगा तो भाई कोई इंट्रेक्शन शो कर सकता है, इंट्रेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो सपोज बहुत बार कहते हैं भाई आपको ये वाला ड्रग दूध के साथ नहीं लेना है, दूध के साथ लेना है, क्यों, क्योंकि मिल्क में क्या होता है कैल्शियम, ठीक है, सो कैल्शियम के साथ कुछ बॉन्ड बना लेते हैं और वो क्या हो जाएगा, अगर उन्होंने उसके साथ कोई कॉम्प्लेक्स बना लिया तो वो एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा, ब्लड में जा ही नहीं पाएगा, वहीं से एक्सक्रीट हो जाएगा। सो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ एजेंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, जैसे विटामिन सी है, ठीक है, विटामिन सी क्या नेचर है, एसिडिक, ठीक है, तो जो विटामिन सी है दैट विल गेट ऑब्जॉर्ब फ्रॉम कौन से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा, या फिर आपके उससे एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन से, स्टमक से, इंटेस्टाइन से, तो सिंपल सी चीज है, एसिडिक ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होंगे, आपके स्टमक से, क्लियर। यही थे आपके फैक्टर्स विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द जीआई ट्रैक, क्लियर। अब यहाँ पे मैंने कुछ एमसीक्यूज रखे हुए हैं, आई वॉन्ट यू गाइज टू आंसर दिस क्वेश्चन। जो द फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन इज मेजोरिटी ऑफ द ड्रग्स क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स प्राइमरली बाय पैसिव डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड एक्टिव और पिनोसाइटोसिस। सो आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू गाइज, जस्ट टेल मी। या करेक्ट, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस सब्सटेंस अक्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सेप्ट इट इज स्पेसिफिक, इट इज पीएच डिपेंडेंट, इट इज सैचुरेबल, और इट इज मेटाबॉलिक एनर्जी, इट रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी। जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके चार ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या वो स्पेसिफिक होती है, क्या वो पीएच डिपेंडेंट होता है, इज इट सैचुरेबल एंड इट रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी। तो इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है, ठीक है, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, कहीं नॉट या एक्सेप्ट ये टर्म्स, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, डायरेक्टली आंसर कर देते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन आंसर। सो टेल मी द आंसर गाइस। बी, या ठीक है, सो इट इज नॉट पीएच, ये नहीं आएगा आंसर क्या, आप देखो इट इज स्पेसिफिक, ये भाई स्पेसिफिक होती है, हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है। यस इट इज सेचुरेबल, क्योंकि कैरियर जितने होंगे उन पर डिपेंड करेगा, जितने ज्यादा कैरियर्स होंगे उतना ही कम सेचुरेट होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कैरियर्स हैं तो भाई सेचुरेट होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, सेचुरेट का मतलब है सारे भर जाए ड्रग्स के, कोई और कैरियर ना बचे उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो इट इज सेचुरेबल, और यस इट रिक्वायर्स एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड ब्रेन बैरियर विच रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री ऑफ मेनी ड्रग्स इन टू द ब्लड ब्रेन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पी ग्लाइकोप्रोटीन, ई फ्लक्स कैरियर्स इन ब्रेन कैपिलरी सेल्स,
टाइट जंक्शंस बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स एंड ब्रेन कैपिलरीज, एंजाइम्स प्रेजेंट इन द ब्रेन कैपिलरी सेल्स, और ऑल ऑफ द अबव। जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो किसका बना होता है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, इनमें से किसका बना होता है, विच इज द राइट ऑप्शन। या नाउ इज इट विजिबल टू यू गाइस? एक्चुअली आई दिस माई फर्स्ट लेक्चर, सो सॉफ्टवेयर से थोड़ा फ्रेंडली होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो द क्वेश्चन इज द ब्लड ब्रेन बैरियर वाला क्वेश्चन है, तो द आंसर इज, इसका आंसर क्या होगा गाइस, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वहां पे हर ड्रग आपका ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कुछ ही ड्रग्स को ब्रेन में जाने देता है। और ये क्या बना होता है, काफी टाइट जंक्शन होता है एंडोथेलियल सेल्स का और ब्रेन कैपिलरीज का। ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स जो ब्रेन कैपिलरीज की होती हैं उनका काफी टाइट जंक्शन फॉर्म करती हैं, कैपिलरीज के बीच में कोई पोर्स नहीं होगा। जैसे आप बाकी कैपिलरीज देखोगे बॉडी में तो उनके बीच में काफी बड़े बड़े पोर्स होते हैं, लेकिन ब्रेन की जो कैपिलरीज होती हैं बिल्कुल टाइट होती हैं, टाइट जंक्शन। ठीक है, ग्लियल सेल्स, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इफ्लक्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो सेल को अंदर जाने से रोकते हैं, बाहर फेंकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं अंदर आपका ब्लड ब्रेन बैरियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर, इनमें से कौन सा सही नहीं है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय टाइट जंक्शन बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्रेन कैपिलरीज एंड द ग्लियल टिश्यू। सेकेंड, इट अलाउज द पैसेज ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स इन टू द ब्रेन। थर्ड इज, इट लिमिट्स एंट्री ऑफ हाईली आयनाइज्ड ड्रग इन टू द ब्रेन। एंड द फोर्थ इज, इट रेगुलेट्स पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्रेन इन टू द ब्लड। सो इसका आंसर बताइए आप, आई वांट द आंसर फ्रॉम यू गाइस। लास्ट क्वेश्चन जो है इस पेज पे आपका, देखो ये हमने पढ़ा अभी, ये टाइट जंक्शन से बना होता है, ये सही है। ठीक है, इट अलाउज पैसेज ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स इनटू द ब्रेन। जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं चाहे वो कितना भी टाइट जंक्शन क्यों ना हो, लेकिन हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होंगे वो क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे कैपिलरीज हैं कुछ भी है, बनी तो किससे है, मेम्ब्रेन से, और मेम्ब्रेन किसके होते हैं, लिपिड नेचर के। तो लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होते हैं वो क्रॉस कर सकते हैं आपके ब्रेन को, हाईली लिपिड। इट लिमिट्स द एंट्री ऑफ हाईली आयनाइज्ड ड्रग इनटू द ब्रेन। यस, टाइट जंक्शन होते हैं तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो होंगे वो, सॉरी, जो पोलर ड्रग्स होंगे वो तो बिल्कुल ही क्रॉस नहीं कर पाएंगे, मतलब उनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा क्रॉस करने के लिए। लास्ट इज, इट रेगुलेट्स पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्रेन इन टू ब्लड। ठीक है, क्या वो रेगुलेट करता है सब्सटेंसेस को ब्रेन से ब्लड के अंदर? नो। ठीक है, वो रेगुलेट करता है कैसे, उल्टा दे रखा है, इट रेगुलेट द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड से वो ब्रेन में जब जाते हैं हमारे ड्रग, उसको रेगुलेट करता है, ना कि ब्रेन से ब्लड में। ब्रेन से ब्लड में तो फिर एक्सक्रीट होने के लिए जाएगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट राइट, द लास्ट सेंटेंस क्लियर। सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केलाइजेशन ऑफ यूरिन फास्टन्स हेस्टन्स, मीन्स फास्टन्स द एक्सक्रीशन ऑफ। अगर हम यूरिन को एल्केलाइन कर दें तो कौन से ड्रग का एक्सक्रीशन फास्ट हो जाएगा, वीकली बेसिक ड्रग्स का, वीकली एसिडिक ड्रग्स का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, या नॉन पोलर ड्रग्स का? सो ये तो मैं आपको भी थोड़ा बताया था इसके बारे में, आई होप कि आपको समझ आया होगा, तो मैं आंसर आप लोगों से चाहती हूँ इसका। जब हम एल्केलाइजेशन करेंगे यूरिन का तो कौन से ड्रग की एक्सक्रीशन फास्ट होगी, वीकली एसिडिक की, वीकली बेसिक की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, या नॉन पोलर ड्रग्स की? आंसर इज बी, वीकली एसिडिक। यस आरएन, यू आर एग्जैक्टली राइट। देखो एंड विनय दीक्षित, आपने भी शायद सही आंसर किया है। सॉरी आपने नहीं किया। देखो इसमें क्या है आपका, एल्केलाइजेशन ऑफ यूरिन यानी कि आपने यूरिन को क्या बना दिया, बेसिक बना दिया। ठीक है, अब जो अगर बेसिक ड्रग होंगे आपके, बेसिक ड्रग तो क्या होंगे, इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, डिजोल्व हो जाएंगे तो एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे, हो सकता है वहां से भी कुछ एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर एसिडिक ड्रग होंगे, एसिडिक ड्रग बेसिक में आ गए, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और प्रेसिपिटेट होकर वो क्या हो जाएगा, इजिली आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा।
क्लियर, वो पोलर बन जाएगा, सॉल्ट इज पोलर एंड पोलर होता है ना, ये आयन बन जाएगा एक तरह से, तो आयनिक नेचर का हो गया, वो क्या हो जाएगा, इजिली आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. क्लियर, समझ आया? तो द आंसर इज वीकली एसिडिक ड्रग इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज मोस्ट लाइकली टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक. इनमें से कौन सा ड्रग है जो स्टमक से एब्जॉर्ब होगा? मॉर्फिन सल्फेट, डिक्लोफेनिक सोडियम, हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइन और क्यूनिन डाई हाइड्रोक्लोराइड. अब देखो यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है जो मैंने आपको कैटाइन और एनायन का बताया था, ठीक है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, अब देखो यहाँ पे देखो ये है मॉर्फिन सल्फेट, मेन जो आपका जो एक्टिव फार्माकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट जिसको हम बोलते हैं, जो ड्रग का मेन एक्टिव प्रिंसिपल होता है, वो क्या है इसमें? सल्फेट है, मॉर्फिन है, मॉर्फिन है, सिंपल है, ठीक है? जो एक्शन शो करना है जो ड्रग में मेन इंग्रेडिएंट, दैट इज मॉर्फिन. इसमें क्या है? डिक्लोफेनिक. इसमें क्या है? हायोसिन. इसमें क्या है? क्यूनिन. तो भाई जो इसके अंदर ये साइड में प्रेजेंट है सल्फेट सोडियम, इनको देखते हैं. सल्फेट क्या होता है? SO4 2 माइनस, यानी कि ये क्या है? एनायन, सॉरी है ना, एनायन है. एनायन के साथ अब सिंपल सी चीज है, जो सॉल्ट है ये आपका, ये एक आयन होगा, एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, ठीक है? तो अब ये एनायन है आपका, तो मॉर्फिन किस नेचर का होगा? कैटायन नेचर का, ये प्लस, ठीक है? अब ये है सोडियम, सोडियम क्या होता है? एन प्लस, तो ये क्या होगा, इस पे चार्ज माइनस, यानी कि ये क्या होगा आपका? एनायन. नेक्स्ट इज हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड, HBr-, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है, कैटायन होगा. क्यूनिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, डाइहाइड्रोक्लोराइड क्या होगा, ठीक है? सो अब यहाँ पे क्या, इस पे भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज. और मैंने आपको बताया था कि जो कैटाइन्स होते हैं, कैटाइन्स किस नेचर के होते हैं? कैटाइन्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है? सो जितने भी ये तीन है, क्यूनिन है, हायोसिन है, मॉर्फिन है, ये इनका नेचर क्या होगा? बेसिक नेचर. बचा क्या? डिक्लोफेनिक. डिक्लोफेनिक का नेचर क्या हो गया? एसिडिक नेचर. और एसिडिक ड्रग जो होंगे वो सारे कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं? स्टमक से. सो सिंपल सा पता चल गया आपको कौन सा ड्रग है जो एब्जॉर्ब होगा स्टमक से, दैट इज डिक्लोफेनिक सोडियम. या फिर दूसरा तरीका, एक दूसरा तरीका तो खैर कुछ नहीं है, तरीका तो यही है, लेकिन अगर आपको पता है कि डिक्लोफेनिक कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, इट इज फ्रॉम द नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, एनसेड्स में आता है ये. एनसेड्स के जितने भी ड्रग्स होते हैं वो दे आर वीक एसिड्स होते हैं सारे ड्रग, एनसेड्स वाले, ठीक है? सो ये अदर तरीका है, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, तो दिस इज द वे. तो ये समझ आया आपको या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो. यस विनय एंड आर्यन, प्लीज गिव मी अ थम्स अप प्लीज. सो इफ दिस कैटायन एंड एनायन कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. ओके गुड, ठीक है. सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकली एसिडिक ड्रग. इनमें से कौन सा है जो वीकली एसिडिक ड्रग है? एट्रोपिन सल्फेट, क्लोरोक्विन फॉस्फेट, एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड फिनाइट्राइन सोडियम. सो आप, मुझे लगता है आप बहुत इजिली आंसर कर दोगे, बताओ कौन सा है इसका आंसर. या यू गॉट इट. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर गवर्निंग एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इंटैक्ट स्किन. कौन सा फैक्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर गवर्निंग एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द इंटैक्ट स्किन? इज मॉलिकुलर वेट ऑफ द ड्रग. इंटैक्ट स्किन मीन्स आपने ऊपर सरफेस पे, आपने इंटैक्ट स्किन पे कोई ड्रग अप्लाई किया, तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन को गवर्न करेगा, इफेक्ट करेगा? मॉलिकुलर वेट ऑफ द ड्रग, साइट ऑफ एप्लीकेशन, कौन सी जगह आपने अप्लाई किया है, या फिर लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग, या फिर नेचर ऑफ द बेस यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन. सो देखो सिंपल सी चीज है, स्किन है मीन्स मेम्ब्रेन है, तो लिपिड है, लिपिड नेचर का, जितना ज्यादा लिपिड नेचर का कोई ड्रग होगा वो इजिली आपकी स्किन को क्रॉस कर जाएगा, इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है? सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है? अब यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग रेफर्स टू परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज्ड फॉर्म, रेशियो ऑफ ओरल टू पेरेंटल डोज, रेशियो ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग टू दैट एक्सक्रीटेड इन द फीसिस, और रेशियो ऑफ द ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन टू दैट एक्सक्रीटेड मेटाबोलाइट्स.
So I hope you know what is bioavailability, and if not, then we will discuss it in the coming lecture. ठीक है, और अभी भी मैं थोड़ा आपको बता दूंगी इसको. सो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है गाइस? बायोअवेलेबिलिटी इट इज द अमाउंट ऑफ ए ड्रग विच इज रीचेज टू द ब्लड, विच रीचेज टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. से मतलब जो आपने ड्रग लिया हो, सपोज आपने 5 mg आपने ड्रग लिया, उसमें से आपका कितना ड्रग आपके ब्लड के अंदर गया, वो अमाउंट होती है, वो परसेंटेज होती है ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी. ठीक है, सो इसके अंदर जो ऑप्शन होगा दैट इज फर्स्ट मीन्स परसेंटेज ऑफ ए एडमिनिस्टर्ड डोज दैट विच इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज्ड फॉर्म. अनचेंज्ड फॉर्म के अंदर, फॉर्म में जो आपका ब्लड तक पहुंच जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है ड्रग का, वो होता है बायो अवेलेबिलिटी. और सबसे ज्यादा जो बायो अवेलेबिलिटी होती है दैट इज बाय द आईवी रूट. अगर आप किसी भी ड्रग को आईवी रूट से देते हो, इंट्रावेस्कुलर रूट से देते हो, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके ब्लड में ही जा रहा है, कहीं लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है. पूरा की पूरा जितना आपने दिया सारा के सारा आपके ब्लड में गया. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीकली एसिडिक ड्रग्स आर प्राइमरीली बाउंड टू अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा, आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन एल्कलाइन यूरिन, आर हाईली आयनाइज्ड इन द गैस्ट्रिक जूस, और डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस? इसके अंदर वीकली एसिडिक ड्रग्स आर बाउंड प्राइमरी टू द अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन द एल्कलाइन यूरिन, आर हाईली आयनाइज्ड इन द गैस्ट्रिक जूस, और डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर यू आर गिविंग. थिंक अगेन. जो एसिडिक ड्रग्स होते हैं वो अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से नहीं बाइंड करते, वो किससे बाइंड करते हैं? वो बाइंड करते हैं एल्ब्यूमिन से. ठीक है, जो बेसिक ड्रग्स होते हैं वो बाउंड बाउंड करते हैं आपके अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से. ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक के अंदर. क्लियर? तो वो वहां पे क्लियर हो जाएगा आपका. तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है दैट इज, जो अभी आप फिर से दे भी चुके हो एक बार, कि भाई जो वीकली एसिडिक ड्रग होंगे, इसने सी दिया है, वो भी गलत दिया है. विनय ने सी ऑप्शन आंसर किया है, आपने वो भी गलत किया है. देखो, वीकली एसिडिक ड्रग जो होंगे और बाइंड टू, ये तो गलत हो गया क्योंकि वो तो एल्ब्यूमिन से बाइंड करते हैं. ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन एल्कलाइन यूरिन. अरे हाँ, अभी हमने पीछे तो पढ़ा था कि अगर यूरिन को एल्कलाइन कर दिया जाए तो एसिडिक ड्रग्स बहुत इजीली उससे एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, क्योंकि पोलर बन जाएंगे एसिडिक. और इसमें समझ रहे हो, अगर एल्कलाइन होता ये ड्रग, बेसिक होता ड्रग, तो बेसिक यूरिन के अंदर वो डिजोल्व हो जाता, मतलब बेसिक में वो क्या होता, एब्जॉर्ब हो सकता था वहां से भी. लेकिन ये एसिडिक आ गया तो ये पोलर बन गया, ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. अब नेक्स्ट है आर हाईली आयनाइज्ड इन द गैस्ट्रिक जूस. भाई गैस्ट्रिक जूस किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है. और एसिडिक ड्रग एसिडिक के अंदर जाके आयनाइज नहीं होगा, वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, मतलब जिस फॉर्म में हो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, उसमें रहेगा, आयनाइज नहीं होता वो. डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये किसने कहा? भाई ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर चलो ठीक है आयनिक है, नहीं क्रॉस कर पाएगा, लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर तो कैरियर्स भी होते हैं ना, वहां से तो हो सकता है. ठीक है, इन्होंने जनरल सा दे दिया कि क्रॉस ही नहीं कर सकता. सो द ऑप्शन इज बी, दैट इज आर एक्सक्रीटेड इन फास्टर एंड एल्कलाइन यूरिन. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज. यस और नो? यस और नो गाइज, टेल मी, ये समझ आया लास्ट एमसीक्यू? यस, फास्ट. ओके, सो अब जैसा कि मैंने आपके लिए आगे टॉपिक ये डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे हमने कवर करने के लिए सोचा था कि आज के लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कवर कर लेंगे, बट कोई बात नहीं. ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है. इट इज नॉट कि हम एक दिन में ही पूरा कवर कर लें. ठीक है, बट डोंट वरी, आज टाइम कम है, हार्डली 1 or 2 minutes आ रिमेनिंग. ठीक है, तो हम ये डिस्ट्रीब्यूशन अपनी आगे कमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे. आज जो लेक्चर था उसके अंदर हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कवर हो गया, दैट इज एब्जॉर्प्शन विद एमसीक्यूज. क्लियर?
सो उसमें आपको कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी गाइस, अगर कोई टॉपिक आपको समझ ना आया हो या जिसको आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा डिस्कस करें, ठीक है, तो लेट मी नो, अदरवाइज वी कैन एंड आवर क्लास हियर एंड विल मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो प्लीज टेल मी इफ एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, यू कैन जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन. All clear? Okay, okay. Thank you, thank you. I hope कि आगे कमिंग लेक्चर्स में भी आपको क्रिस्टल क्लियर की तरह ही हो, बिल्कुल ठीक है, सबको समझ आ जाए. सो इट वॉज अ गुड, इट वॉज नाइस टू इंटरेक्ट विद यू गाइज. सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर एंड वर्क हार्ड. ओके, बाय.